इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे सीएससी की तरफ से एसबीआई का सीएसपी कैसे लेना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले करता आपसे गुजारिश कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिए और साइटल यूनिट को दबा दीजिए। जिन्होंने किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएससी की तरफ से एसबीआई का सीएसपी कैसे लेना है। सीएससी की तरफ से हमें एक वर्ल्ड फाइल भेजिए और एक्सेल फाइल भेजिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमारे, और साथ में एक सैम्पल फॉर्म भी भेजा है। ठीक है, पहले हम देखेंगे वर्ल्ड फाइल को। ठीक है, ये जो है ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, पहले आप इसे चेक कर लीजिए, प्रॉपरली देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, इसको कहीं इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना, एडिट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट नंबर डाल देना है एसबीआई का। ठीक है, यहाँ पे आपका विलेज का नाम डाल देना है, जो आपका सीएसपी ओपन करे उसका नाम डाल देना है। ठीक है, पंचायत समिति, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सेम यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे पूछा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये भी मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एरिया टू भी कवर बाय सीएसपी ये भी सेम डिटेल यहाँ पे भी मेंशन कर देना है। इसके बाद आपकी जो लिंक ब्रांच का यहाँ पे नाम दे देना है, लिंक ब्रांच का एफसी कोड मेंशन कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी लिंक ब्रांच कोड यहाँ पे भी डाल देना है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, आपकी उम्र रहेगी और जो भी बिजनेस सोर्स है आपका सेल्स सेंट यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस से खुद का और जो बिज़नेस ऑफिस है आपका खुद का है या रेंट का, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देना। खुद का होगा तो ओनर डाल दे, नहीं तो रेंट पे डाल दीजिए। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भी डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और जो बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये डाल दीजिए, लिंक ब्रांच जो है उसका भी एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, उसके साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपके। ठीक है, और यहाँ पे आपका फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पे साइन करना है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना है ये मेंशन कर दीजिए, नंबर ऑफ एक्सपायर्ड अकाउंट ये मेंशन कर दीजिए, एनुअल बिजनेस कितना है ये मेंशन कर दीजिए, अप्रोज नंबर ऑफ बिजनेस ये मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे हाउस होल्ड कितना है ये मेंशन कर दीजिए, माइग्रेंट वर्कर से बिजनेस कितना है ये मेंशन कर दीजिए, जो मेन एक्टिविटी पीपल ये भी मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, जैसे वैसे रख दीजिए, कोई इशू नहीं। नीचे में आने के बाद यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है, यहाँ पे सीएससी साइन करेगी, यहाँ पे जो भी अधिकारी वो साइन करेगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। नीचे में आने के बाद यहाँ पे जो आपका बैंक मैनेजर वो साइन करेगा, नीचे में आरबीओ सीएससी यहाँ पे साइन लेगा, नहीं तो आपको भी लेने के लिए बताएगा। ठीक है, तो आपको पहले बैंक मैनेजर साइन लेना है, उसके बाद में हम नीचे आएंगे, यहाँ पे सेम आपको आपका नाम डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे लोकेशन आपका रहेगा यहाँ पे आपको लोकेशन अपडेट कर देना है। ठीक है, लिंक ब्रांच का नाम यहाँ पे शो कर देना है और यहाँ पे आपकी साइन कर देना है, यहाँ पे आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है। ठीक है, और आपका जो प्लेस है ये भी यहाँ पे मेंशन करना है। नीचे में आने के बाद सेम डिटेल जैसे आपने ऊपर फिल किया वैसे यहाँ पे फिल करना है। नीचे भी आने के बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये भी यहाँ पे आपको आपका नाम एड्रेस डाल के यहाँ पे नीचे में साइन कर देना है, यहाँ पे आपका नाम लिख के। ये जो आपको रिकमेंडेशन लेटर बाय बैंक मैनेजर यहाँ पे बैंक का जो लेटर हेड है उस पर प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जो सीएसपी का लोकेशन है जहाँ पे आप सीएसपी खोलना चाहते हो वो लोकेशन रहेगा, और जो भी डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे डालना है, और जो आपका जो बीसी का नाम है ये सो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। ये जो नंबर ऑफ सीएसपी लिंक टू ब्रांच प्रेजेंटली है जो है जानकारी बैंक फिल करेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो बैंक मैनेजर साइन करेगा वो स्टैम्प यहाँ पे कर देगा। ये फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको जो फैमिली मेम्बर है पहले आपका नाम डाल दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो फैमिली में कितना मेंबर है वो मेंशन कर दीजिए, नाम, उम्र, रिलेशन क्या है और क्या करते हो भी यहाँ पे डाल देना है, और नीचे में आपके साइन कर देना है। ये वो नहीं, बात वर्किंग सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपका नाम डाल दीजिए और आपका जो टाइमिंग रहेगा
CSP का 8-8 आपको काम करना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और आपका नाम एड्रेस मेंशन करना है, और यहाँ पे भी आपका नाम डाल दीजिए। ये जो फॉर्म है दोस्तों प्रॉपरली भरना है, कोई गलती यहाँ पे नहीं करना है, आप थोड़ा सा पढ़ के अच्छी तरह से फिल करना है उस फॉर्म को, ठीक है। करने के बाद इसे प्रिंट करना है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। इसके बाद इसे मैं कट करता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल में सेम डिटेल है, यहाँ पे जो डिटेल है जैसे वैसे रहना है। यहाँ पे जो आपका सेविंग अकाउंट है SBI का यह मेंशन कर दीजिए, जो कमीशन आएगा उसमें। आपकी जो सेविंग अकाउंट जो लिंक ब्रांच है उसका नाम दे दीजिए, ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिंक ब्रांच का नाम डाल दीजिए, लिंक ब्रांच का कोड रहेगा यहाँ पे। आपका जो आधार पे नाम है सेम यहाँ पे नाम डाल दीजिए, पिताजी का नाम, एड्रेस रहेगा जो आधार पे आपका, यहाँ पे आपका पिन कोड रहेगा ये छोड़ दीजिए। जो CSP सेंटर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, वार्ड नंबर, विलेज, टाउन सिटी जो एड्रेस है आपका वो भर दीजिए। इसके बाद आपका जो CSP ब्लॉक तालुका कौन सा रहेगा वो मेंशन कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोड, सब डिस्ट्रिक्ट कोड, विलेज कोड ये मेंशन करना है, ये छोड़ दीजिए। स्टेट महाराष्ट्र जो आपका पिन कोड आता है, पिन कोड मेल या फीमेल जो है आपका, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी भी रहेगी। जो आपका मोबाइल नंबर ये भी डाल देना है यहाँ पे। डिवाइस आप कौन सी यूज़ करना चाहिए, दो डिवाइस है मार्फो ज़्यादा करें, मार्फो यूज़ करते हैं आप, मार्फो यूज़ कर लीजिए, बेटर डिवाइस है वो। और जो आपका SSC में आता है या non-SSC में आता है जो भी आता है आपका SR नो कर दीजिए यहाँ पे। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे फील सेविंग अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे, और लिंक ब्रांच कितनी दूरी पे आपसे जो सेल्स सेंटर से वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे भी मेंशन यहाँ पे कर देना है आपको। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगा देना है, जैसे उस फॉर्म में जो जानकारी दी थी वैसे उसमें भर देना है, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ लीजिए प्रॉपरली और भर दीजिए, सेव कर देना आपको, ठीक है। इसके बाद उसको कट कर देना है। हम उन सैम्पल फॉर्म को भी देखेंगे एक बार। इसमें बताया गया है, कुछ स्टेप बताया गया जो मैंने एक्सेल फाइल आपको बताया, उस एक्सेल फाइल प्रॉपरली भरना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद जो आपको वर्ल्ड फाइल दी गई उसको भी प्रॉपरली भरना है, और उसे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद फ़ोटो वगैरह चिपका के साइन करके, ठीक है, वर्ल्ड फाइल का जो वर्ल्ड फाइल दी गई उसको प्रिंट करके, ठीक है। और क्या करना है, उसको PDF बना देना है। PDF बनाने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन रहेगा उस फॉर्म में, जो उसके साथ आपको पुलिस प्रिवेंस सर्टिफिकेट को अटैच करना है, पैन कार्ड को, आधार कार्ड को, और आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट कम से कम 12वीं होना चाहिए। IBF का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, नहीं तो आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की जो पेमेंट आप करते हो एग्ज़ाम के लिए उसकी रिसिप्ट को अटैच कर देना है। आपका जो मैंने बताया सिविल स्कोर उसका रिपोर्ट फाइल को भी अटैच कर देना है, और जो सिविल डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा मैं नीचे में आपको दिखाऊंगा उसको भी यहाँ पे मैं अटैच कर देना है, और फैमिली डिटेल जो मैंने दिखाया था आपको वो भी यहाँ पे अटैच कर देना है। इसको PDF बनाना है, किस तरह से बनाना है हम दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये जो फॉर्म रहेगा फर्स्ट नंबर फॉर्म रहेगा, यहाँ पर आपकी फ़ोटो रहेगी, यहाँ पर आपकी साइन रहेगी, आपको पूरी तरह जानकारी जैसे मैंने बताया आपको वो जानकारी पढ़ के आपको भरना है। यहाँ पे आपके CSC का स्टैंप और सिग्नेचर रहेगा, आपको नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे बैंक मैनेजर की साइन रहेगी, और यहाँ पे RBO की रहेगी। RBO को आपको तो लेना पड़ेगा, नहीं तो DM यहाँ पे साइन ले लेगा, ज़्यादा करके DM ही साइन ले लेता है यहाँ पे, आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ BM की साइन ले लीजिए यहाँ पे, और आपको BM की साइन ले लीजिए, सिर्फ हो जाएगा। नीचे में आना है,
जो डिक्लेरेशन यहाँ पे आपके जो जानकारी मैंने बताया वो उसे भर देना है, इसको भी यहाँ पे साइन कर देना आपके, यहाँ पे भी साइन कर देना आपके। फिर जो पुलिस में सर्टिफिकेट को अटैच करना है, ये जो पुलिस में सर्टिफिकेट रहेगा वो लेटेस्ट 3 मंथ का रहेगा। ये पैन कार्ड कॉपी ऐसे कलर में होना चाहिए और जो फोटो पैन कार्ड नंबर वो क्लियर दिखना चाहिए और नीचे में आपके साइन करना है यहाँ पे। आधार कार्ड कॉपी कलर में होनी चाहिए, फ्रंट साइड और बैक साइड वो दोनों यहाँ पे दिखना चाहिए, अच्छी तरह से दिखना चाहिए और यहाँ पे आपकी साइन रहेगी। और ये जो रहेगा आपका जो 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है, नहीं तो आपको जो हाई एजुकेशन वो भी अटैच कर सकते हो, लेकिन कम से कम 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट को अटैच कर देना है, नहीं तो मार्कशीट को भी अटैच कर सकते हो और यहाँ पे आपके साइन कर देना है। मैंने बताया आपको सिविल रिपोर्ट को भी यहाँ पे अटैच कर देना है, जो सिविल स्कोर रहेगा रिपोर्ट रहेगा वो लेटेस्ट का रहेगा। कंप्लीट फाइल, जैसे वो सिविल रिपोर्ट की फाइल कंप्लीट फाइल रहेगी, आप अभी CSC से भी सिविल रिपोर्ट निकाल सकते हो, वो जो सर्विस से लाइव हो चुकी है अपने CSC सेंटर पे, वहाँ से निकाल सकते हो। फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म है, जैसे यहाँ पे भरा है वैसे आपको भरना है, यहाँ पे साइन कर देना आपके। यहाँ पे जो बता रहा है आपको IBPO का सर्टिफिकेट, आपने IBPO एग्ज़ाम दिया नहीं है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम देने के लिए जो आप फॉर्म भरते हो और जो आपकी पेमेंट रिसीव रहती है उसको अटैच कर देना है पे। जो सैंपल में जिस तरह से बताया गया उस स्टेप से आपको डॉक्यूमेंट को अटैच करना है और एक साथ में PDF बनाना है। फिर ये जो हमारा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे हमने प्रिंट किया, फ़ोटो चिपकाया, साइन किया, पूरे जहाँ पे आपके साइन लगते हैं वहाँ पे मैंने साइन किया आपने, ठीक है, और जैसे दिया है वैसे आपको बनाना है। और एक्सेल फाइल, ये दोनों को आपको क्या करना है, आपने DM को मेल करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसको मेल करना है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मेल करने के लिए मेल ID कहाँ से मिलेगी हमको, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CSC बैंक मित्र डाल के सर्च कर लीजिए और CSC बैंकिंग यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉन्टैक्ट में चले जाना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक कर देना है। करने के बाद जो भी आपका स्टेट आता है स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और सर्च कर लीजिए आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट में मैनेजर है उनका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आ जाएगा, यहाँ से उनकी मेल ID कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद और जो आपका ईमेल ID रहेगा उसे ओपन कर लें, यहाँ पर डाल दीजिए, सब्जेक्ट लिख लीजिए और यहाँ पर जो आपका फॉर्म है उसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पे अटैच कर लीजिए और उसी के साथ में जो एक्सेल फाइल है उसे भी आप अटैच कर लीजिए। करने के बाद जो सब्जेक्ट है लिख लीजिए और जो भी आपको मेंशन करना है CCID लोकेशन क्या है सो मेंशन करके आपको उनको मेल करना है। मेल करने के बाद DM क्या करेगा, आपकी जो डॉक्यूमेंट है आपका जो फॉर्म है उसे वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो FI टीम को फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करने के बाद FIT में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करके, चेक करने के बाद LHO में फॉरवर्ड कर दीजिए। LHO में फॉरवर्ड करने के बाद LHO आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। आप मेल करने के बाद कुछ रिप्लाई नहीं आता है आपको, मेल करने के बाद कुछ रिप्लाई नहीं आता, फिर से जैसे मैंने बताया वैसे आपको मेल कर देना है, 2-3 बार मेल कर देना है, फिर भी आपको कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो बैंक में पोर्टल पर आना है, यहाँ से FI बैंकिंग ऑफिसर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आता है सबमिट कर देना और यहाँ से उनकी मेल ID ले लेना है, ठीक है। मेल ID लेने के बाद आपको यहाँ पे आपके जो भी मेल आना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का मेल ID रहेगा और यहाँ पे CCP है, यहाँ पे है ना वो जो FI अधिकारी है उनका मेल ID यहाँ पे मेंशन करना है और फॉर्म को अटैच करके सेंड कर देना है। ऐसे भी 2-3 बार करना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोसेस ज़रूर होगा। ये जो प्रोसेस है मुझे बताया गया जो FI टीम से सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, मैं ये भी कंफर्म नहीं बताऊंगा कि ऑल इंडिया में प्रोसेस चालू है CSC की तरफ से, लेकिन महाराष्ट्र में प्रोसेस अभी चालू है, अभी CSP मिलना चालू है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने बताया आपको पसंद आई होंगी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहेगा सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।